killed Osama bin Laden. नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, यूं तो आज अगर आप पाकिस्तानी टेलीविजन स्क्रीन पर देखें तो पाकिस्तानी सियासत की जो खबरें हैं उनसे पाकिस्तानी स्क्रीन भरी हुई है। हम देखते हैं कि NA 125 और PP 155 का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला था उसे सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया है। हम सुनते हैं कि NA 122 में नादरा के जो रिपोर्ट है उसके बाद एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला मुतवक्को है। हम ये भी देखते हैं कि शफकत इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शफकत हुसैन की फांसी की जो पिटिशन थी उसके खिलाफ उसको मुस्तरद कर दिया है। हम सुनते हैं कि सौलत मिर्जा को कल सुबह फांसी दी जाएगी। हम ये भी सुनते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर अपने मुजाहरे जो है वो करने का सोच रही है। ये सब अपनी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है और पाकिस्तानी टेलीविजन स्क्रीन इनसे भरी पड़ी है। लेकिन एक ऐसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट भी है जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने आज शाम इग्नोर किया और वो डेवलपमेंट का ताल्लुक सेमोर हर्ष, अमरीका के महानाज अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट सेमोर हर्ष की उस रिपोर्ट से है जो लंदन रिव्यू बुक में छपी किलिंग ऑफ ओसामा बिन लादेन के नाम से एक बहुत लंबी तवील इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है जिसमें यह दावा किया गया, जो तमाम सवालात जो जहनों में हमेशा से ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद जो सवाल थे उस पर उन्होंने यह दावा किया। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि ओसामा बिन लादेन को मारने का जो ऑपरेशन था वो US पाकिस्तान ज्वाइंट ऑपरेशन था, यानी पाकिस्तान और अमरीका ने मिलकर इसकी प्लानिंग की, दोनों ऑन बोर्ड थे। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने अमेरिकन इंटेलिजेंस और अमेरिकन मिलिट्री को इस एक्शन में फैसिलिटेट किया। और इसके कुछ मोटे मोटे स्टेप्स में आपको बता दूं जिसकी और जो स्लाइड्स आपके सामने आती जाएंगी कि उस व्हाइट हाउस के मुताबिक उस वक्त यह कहा गया था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस हेड जो है वो इससे नावाकिफ थे, उन्हें इस हमले का नहीं पता था। ये बात व्हाइट हाउस ने और अमरीका के सदर ने, अमरीका की कयादत ने सरासर ये बात झूठ बोली थी। दूसरी चीज बड़ी अहम यह है कि अगस्त 2010 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का एक अहलकार जो है उसने अमेरिकन के साथ ये इंफॉर्मेशन, अमेरिकन CIA के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर की। ये अहलकार और इसकी फैमिली उसको रिवॉर्ड भी मिला और अब वो अमरीका में CIA के साथ एक कंसल्टेंट के तौर पर काम करता है। तीसरी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तानी आर्मी के एक डॉक्टर मेजर आमिर अजीज जो हैं उन्हें इजाजत दी गई, उन्होंने ही ओसामा बिन लादेन का जो DNA है उसे चेक करके ये कंफर्म किया, बिकॉज वो उसके मालिक थे कि ये ओसामा बिन लादेन ही है। और जनवरी 2011 में पाकिस्तान और अमरीका की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उनके दरमियान मामला तय पा गए कि ओसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन किस तरह किया जाएगा। और एक अमरीका की 4 रुकनी जो टीम थी वो गाजी बरोफा के बेस में वहां पर कायम थी, जिसमें CIA के लोग भी थे, जिसके अंदर उनके सील भी थे, और वो इस ऑपरेशन को फैसिलिटेट करी थी। यानी पूरे ऑपरेशन को पाकिस्तानी साइड से फैसिलिटेट किया गया और ये एहतमाम किया गया जनरल कयानी और जनरल पाशा की तरफ से कि पाकिस्तान आर्मी एयरफोर्स जो है वो अमरीकी हेलीकॉप्टर्स के रास्ते में किसी तरह से भी हायल नहीं होगी। और प्लानिंग ये थी नाज़रीन, जो आप स्लाइड देख सकते हैं कि प्लानिंग ये थी कि एबटाबाद ऑपरेशन को 7 दिन तक छुपाया जाएगा और फिर यह कहा जाएगा कि एक ड्रोन ऑपरेशन में ओसामा बिन लादेन जो है वो मारे गए और उस ड्रोन के बाद उसकी DNA वेरिफिकेशन हुई। और ये सारा मसला जो है ये उस वक्त चिपलट हो गया, खराब हो गया जब एक अमेरिकन हेलीकॉप्टर गिर गया और अमेरिकन को ये बात माननी पड़ी कि वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। लेकिन तहम जो इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी किस्म की मुजाहमत उनको इस सिलसिले में फेस नहीं करनी पड़ी और जो कुछ भी कहा गया था उस वक्त अमरीका की तरफ से या पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से वो बात सच नहीं थी, वो महज झूठ पे मबनी थी। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे इस डिस्कशन में बड़े अहम सवालात के साथ पाकिस्तान के उस वक्त के एम्बेसडर जनाब हुसैन हक्कानी साहब, मुझे ज्वाइन कर सकेंगे एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब, और मुझे ज्वाइन करेंगे दुनिया के एडिटर लाहौर से दुनिया न्यूज के अखबार के जनाब इरशाद आरिफ साहब। एम्बेसडर हुसैन हक्कानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
हुसैन अगानी साहब, अमरीका में इस पर क्या रद्द अमल है? हम पाकिस्तान पर तो रद्द अमल की तरफ आएंगे, बड़ा म्यूटेड रद्द अमल है, लेकिन अमरीकी सदर ने अमरीका के अवाम से, मीडिया से, कांग्रेस से, अपनी ऑपोजिशन से झूठ बोला, अपने आप को एक बड़े नडर, दलेर, अडोशियस, रिस्क टेकिंग प्रेसिडेंट के तौर पर प्रेजेंट किया इलेक्शन से एक साल कबल, जिसने नतायज की परवाह नहीं की और उससे उनको बड़ा एक स्ट्रांग प्रेसिडेंट के तौर पर देखा गया। और फिर यह कि उसामा बिन लादेन का सी बरियल और बहुत सी चीजें जो सेबोर हर्ष क्लेम करते हैं, इसे अमरीका में कैसे देखा जा रहा है? किसी तरह भी नहीं। जिस तरह पाकिस्तान के मीडिया में बहुत सारी चीजों पर शोर होता है और अमरीका उससे बिल्कुल बेनियाज रहता है, व्हाइट हाउस ने एक दो तीन लाइन की तरदीद जारी की है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। ज्यादातर अमरीकी मीडिया इस बात पर स्पेकुलेट कर रहा है कि सीमोर हर्ष ने सिर्फ एक सोर्स की बुनियाद के ऊपर, जो इसको वो लिखते हैं दी रिटायर्ड ऑफिशियल, उसकी सोर्स की बुनियाद पर इतनी बड़ी स्टोरी कैसे लिख दी। वैसे भी जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि सीमोर हर्ष को 2.5-3 साल से ये स्टोरी अमेरिका के मीडिया को बेचने की कोशिश कर रहे थे, और जो जिस अखबार से वो रिसाले से खुद वाबस्ता रहे हैं, यॉर्कर, उसमें भी ये स्टोरी नहीं शाये की। बिलाखिर ये स्टोरी लंदन रिव्यू ऑफ बुक्स में जाके शाये हुई है। सनसनीखेज स्टोरी है, लेकिन अमेरिका में इसके ऊपर मेरा ये ख्याल है कि जो पाकिस्तान में जितनी इस पर गुफ्तगू हो रही है उसकी 5% भी नहीं। नहीं, हुसैन अकानी साहब, पाकिस्तान में भी नहीं हो रही है। मजे की बात यह है कि जाहिर है कि यहां की एस्टेब्लिशमेंट और वहां की एस्टेब्लिशमेंट दोनों का वर्जन तो एक ही था, कि गो के मुख्तलिफ शक्ल इख्तियार की गई। यहां पर भी कोई बहस इस पर खास नहीं हो रही है। मेरा ख्याल है इस वक्त रात के 10 बजे ये वाहिद टेलीविजन प्रोग्राम है जो इसको डिस्कस कर रहा है। लेकिन बहरहाल आप ये कह रहे हैं कि अमरीका में सेमोर हर्ष की कहानी को कोई खास लिफ्ट नहीं कराई गई। बिल्कुल भी नहीं, और इस वजह से भी कि सीमोर हर्ष देखिए अपनी जवानी में बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर थे, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि पिछले 10 साल में उनकी कम से कम 3 या 4 स्टोरीज के बारे में राय आमा यही बनी है कि वो कंस्पिरेसी थ्योरीज पर मबनी है। जो लोग इंटेलिजेंस एजेंसियों के बारे में रिपोर्टिंग करते हैं उनका अक्सर ये होता है कि या वो इंटेलिजेंस एजेंसियों के वकील बन जाते हैं या उनके मुखालिफ बन जाते हैं, और जब वो उनके मुखालिफ बन जाते हैं तो फिर वो इतना दुखा सोर्सेज जो उनको ये बताती हैं कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ये बदयानती की, ये झूठ बोला, तो वो उसी को खबर बना लेते हैं। खबर में कोई उनकी जो उनका जो वर्जन है उसमें कुछ जान नहीं है। उसका सबब ये है कि इतने सारे लोग जिस मामले में शामिल हों और वो मामला आसानी से इतना अर्से तक खुफिया रखा नहीं जाता, यानी सिर्फ जनरल कियानी और जनरल पाशा ही तो नहीं थे, जो उनका स्टाफ भी था उसमें हमारे बड़े दयानतदार और अच्छे फौजी अफसर मौजूद हैं। ये इसी तरीके के साथ अमेरिकी साइड के ऊपर पूरा व्हाइट हाउस, पूरी टीम, सील टीम, फिर ये कि उसको मैनेज करने वाली टीम, उसकी बैकअप टीम, CIA के जो लोग इसमें शामिल थे, सब जो है उन्होंने राजदारी बरत की। तो सिर्फ एक जरिए ने सीमोर हर्ष को सब कुछ बता दिया, ऐसा होता नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो अफसोसनाक बात है, जिसका मुझे बतौर पाकिस्तानी, क्योंकि मैं उन पाकिस्तानी में से हूं जिनको खुद इस बात पर तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि हम कभी कभी अपने मामलात के ऊपर तनकीदी नजर डालते हैं, मैं ये अर्ज करूंगा कि हमें इस पर गौर करना चाहिए कि यानी हम वो गरीब, वो उर्दू का मुहावरा है कि गरीब की जोरू सबकी भाभी, कि हम ऐसी गरीब की जोरू क्यों बन गए कि जिसका जो जी चाहे हमारी फौज के सरबराह के बारे में, हमारी इंटेलिजेंस के सरबराह के बारे में इस किस्म की स्पेकुलेशन कर डाले। ये असल में नतीजा है उस खामी का जो हमारे अंदर पाई जाती है कि खुद हम मामलात में ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतते। अगर उस वक्त एहतबाद पर हुसैन अकानी साहब, यहां तो अमरीकी सदर को भी बड़ा रगड़ा गया है ना, लेकिन हुसैन अकानी साहब इस कहानी में, स्टोरी में तो सेमोर हर्ष ने अमरीकी सदर को भी बड़ा रगड़ा है। नहीं नहीं, सेमोर हर्ष तो अमरीकी सदर ही को रगड़ना चाहते हैं। हकीकत यह है कि उनका एजेंडा तो अमरीकी सदर को रगड़ना है, मगर मेरा कहना यह है कि पाकिस्तान का ऐसे मामले के अंदर इस तरह से खामखा गैर जरूरी तौर पर रगड़ा जाना जो है वो सिर्फ इस वजह से है कि हमने ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती। अगर हम उसके बाद एहतियात कमीशन को एक ट्रांसपेरेंट कमीशन के तौर पे चलाते और उसकी रिपोर्ट बिल्कुल पूरी तरह से शाये कर देते, जो जो गलतियां थी वो मान लेते कि भाई वो वहां क्यों था पाकिस्तान में, तो ये साजिशी नजरियात जन्म ना लेते और उसके बाद ये हम ना। जरा एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब को मुझे इसमें लाने दीजिए। शाहिद लतीफ साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? डॉक्टर साहब, ये मैं समझता हूँ बिल्कुल मनगढ़ंत स्टोरी है और इसका कोई सर पांव सिरे से ही नहीं है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि ये वो शख्स है जो वक्तन फवक्तन इस तरह की स्टोरीज लिख के अपनी तरफ अटेंशन डाइवर्ट करता है, फिर उसका आई एम श्योर मुआवजा भी मिलता होगा। और इस मरतबा भी उसने यही अटैम्प्ट किया। आपको शायद याद होगा तकरीबन 1 साल पहले इसी शख्स ने स्टोरी लिखी थी और जिसमें कहा था कि वो मानता ही नहीं कि उसामा बिन लादेन वहां था,
यानी एक तरफ ये स्टांस यही राइटर लेता है और आज तकरीबन साल बाद कहता है कि यानी हर चीज उसने उलट कर दी कि वो वहां था और जब उसने देखा कि वो जो पिछली स्टोरी थी उसको शायद ज्यादा तकवीयत नहीं मिली, ज्यादा उसको पब्लिसिटी नहीं मिली, तो उसने एक नई स्टोरी जो है वो बना के आज पेश करने की कोशिश की है। देखें, हकाइक के ऊपर नजर रखनी चाहिए, ये कोई फिक्टिशियस बातें और ये कोई फिक्शन नहीं है कि जिसको जैसे चाहो बना दो। एक तो ये है कि वो शख्स जो इतनी लंबी स्टोरी उसने लिखी है, तकरीबन 10,000 अल्फाज हैं, मैंने ज्यादातर उसमें से पढ़ा है, जिन चीजों पर वो बेस कर रहा है वो एविडेंस ही गलत है। यानी ये कि जी जनरल कियानी और जनरल पाशा जो थे उन्होंने ये पूरे सिस्टम को टेक ओवर कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। एयर डिफेंस उनके पास है ही नहीं, एयर डिफेंस तो एयरफोर्स के पास है और ये मामला एयरफोर्स का है, ये मामला अच्छा। आर्मी का नहीं है। एयरफोर्स, एयर डिफेंस और जो पाकिस्तान की हवाई हदूद हैं उनकी हिफाजत पाकिस्तान एयरफोर्स की जिम्मेदारी है। एयर डिफेंस यूनिट्स बिखरे हुए हैं ऑल ओवर और उन सारे लोगों को इस चीज पर रजामंद करना कि जी वो उनमें से कोई किसी किस्म की रिएक्शन नहीं आएगी, ये मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ दो आदमियों ने काम नहीं करना था, ये बहुत बड़ा सेटअप है। हमारे अपने इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, एयरफोर्स की जिम्मेदारी है। मुझे एक ब्रेक लेने दें नाज़िम, मैं अभी तक शाह आरिफ साहब को इस डिस्कशन में नहीं ले सका। हम एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को चंद और सवाल के साथ आगे बढ़ाते हैं। आफ्टर द ब्रेक नाज़िम वेलकम बैक। नाज़िम, जैसा कि वक्त से पहले आपने देखा जब एम्बेसडर हुसैन हकानी साहब एक्सप्लेन कर रहे थे कि ना तो पाकिस्तान में कोई सेबर हर्ष की कहानी को बहुत सीरियसली ले रहा है, उनकी स्टोरी को लंदन रिव्यू बुक्स की उसामा बिन लादेन के हवाले से, और ना ही अमरीका में इसमें कोई हुकूमत ने बहुत ज्यादा दिलचस्पी या वहां की मीडिया ने बहुत ज्यादा दिलचस्पी जो है इसमें दिखाई है। इरशाद आर्य साहब, आपका क्या व्यू है इस मौके पर, यह स्टोरी कैसे अपेयर हुई? देखिए डॉक्टर साहब, इसमें इस स्टोरी में तीन चार बड़े बड़े तजादात हैं। एक तो हुसैन हकानी साहब ने जिक्र किया कि एक सोर्स है जो पाकिस्तानी फौज का रिटायर्ड अफसर है और उसने इंटेलिजेंस अफसर है और उसने कहा कि जी मेरे पास ये स्टोरी है और उस इनाम लेने के लिए वो पहुंच गया। एक तो ये है, ये तजाद है इसमें कि एक सोर्स पर इतनी बड़ी स्टोरी जो है वो खड़ी नहीं की जा सकती, ये जर्नलिस्टिक जो एथिक्स हैं उसके भी खिलाफ है। दूसरी बात यह है कि वो डॉक्टर आमिर अजीज का जिक्र करते हैं और दुनिया जानती है कि डॉक्टर आमिर अजीज एक ही हैं जो लाहौर से ताल्लुक रखते हैं, जो उसामा बिन लादेन से वाकिफ थे, वहां वो मिलते रहे 9/11 से पहले और 9/11 के बाद भी कंधार में उनकी मुलाकात हुई और मुशर्रफ के दौर में बाकायदा उनको इन्वेस्टिगेट किया गया। तो ये मेजर आमिर अजीज कौन है ये किसी को इल्म नहीं है। तीसरी बात यह है कि जब फौज ने रखा हुआ है उसको एबटाबाद में, तो फिर जनरल कियानी को क्या जरूरत है कि वो उनका डीएनए टेस्ट कराएं, जब मालूम है खुद रखा है कि उसामा बिन लादेन है, तो वो फिर डॉक्टर को भेज के डीएनए टेस्ट कराने की कोई तुक नहीं बनती। उसके बाद वो शकील आफरीदी के बारे में कहते हैं कि जनाब वो एक फर्जी किरदार है और साथ ही साथ कहते हैं कि जनाब वही वैक्सीनेशन के बहाने वहां तक पहुंचे और फिर उन्होंने सारी मालूमात इकट्ठी की। ये तो स्टोरी के तजादात हैं कि समझ नहीं आती कि इसकी बुनियाद क्या है। अगर उस ओबामा ने अपनी कौम से झूठ बोला तो फिर उसके लिए बहुत बड़ी ऐसी बुनियादी शवाहद और हकायक होने चाहिए जिसकी बुनियाद पर साबित हो कि न सिर्फ ये कि ओबामा ने अपनी कौम से झूठ बोला बल्कि जनरल कियानी और जनरल शुजा पाशा ने अपनी कौम से कुछ छुपाया। हुसैन खान साहब ये दुरुस्त बिल्कुल कह रहे हैं कि अगर हम एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट जो है वो पब्लिक कर देते और सारे हकायक को सामने लाते, क्योंकि एक दो सवाल तो बनते हैं। शाहिद लतीफ साहब ये फरमा रहे हैं कि जनरल कियानी जो है एयरफोर्स को टेक ओवर नहीं कर सकते, ये दुरुस्त है बिल्कुल, मैं भी ये समझता हूं, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब एक घंटे का ऑपरेशन होता रहा तो जनरल कियानी तो कहते हैं मैं टेलीफोन घुमाता रहा, लेकिन हमारी एयरफोर्स के जो चीफ थे वो कहाँ थे? और वो उस अरसे में जो जाहिर है हमारे एक रिस्पांस फोर्स भी तो होगी ना कि कोई भी अगर गैर मुल्की मुदाखलत होती है किसी किस्म की तो उसका जवाब हमने किस तरह से तो देना क्या है? होता है तो जरा मुझे है? जरा मुझे इरशाद साहब मुझे जरा हुसैन हकानी साहब को लाने दें। हुसैन हकानी साहब, या तो सेमोर हर्ष जो कुछ कहता है सब कुछ मनगढ़ंत और गलत है,
या तो हम उसकी कुछ बातों को मानेंगे या हम उसको नहीं मानेंगे, हम कहेंगे टोटली ही कंजेक्चर है। आपने एक पीस लिखा खुद जिसमें आपने लिखा कि वाई आर बी सेंडिंग अटैक हेलीकॉप्टर्स टू पाकिस्तान, जो आपने लिखा अप्रैल 19 को एम्बेसडर हकानी साहब, उसमें आपने उसमें ये लिखा कि इट इज अ मिस्ट्री वाई द प्रेसिडेंट सडनली ट्रस्ट पाकिस्तानी मिलिट्री आफ्टर मिस ट्रस्टिंग इट एट द टाइम ऑफ द नेवी सील ऑपरेशन मई 2011। यानी आपने कहा कि मई 2011 में अमरीकन प्रेजिडेंट जो है उसको मिसट्रस्ट था पाकिस्तान पे। अब दो तरीके हैं इसको देखने के। ऑफिशियल वर्जन अमेरिकन का यह है कि पाकिस्तानी मिलिट्री का लेना देना नहीं था, उसामा बिन लादन जो है वो प्लेन साइट में छुपा हुआ था, जो बाद में जनरल अभिजैद की रिपोर्ट आई उसमें भी यही था कि कोई एविडेंस नहीं मिली कि उसका कोई ऑफिशियल सपोर्ट उसको पाकिस्तान में थी। लेकिन आपको बहरहाल शक था, आपने अपने आर्टिकल्स में हमेशा शक का इजहार किया, लेकिन आज आप ये कहते हैं जब सेमोर हर्ष कहता है कि 2006 से उसको एक एसेट के तौर पर छुपा के रखा हुआ था, किसी स्टेज पर ट्रेड ऑफ करना था, तो आप उसको अब सही नहीं मानते हैं। दोनों में से कोई एक चीज सही होगी ना? मैंने तो पहले भी कभी ये बात सही नहीं मानी। मैंने तो मुस्तकिल ये कहा है कि इस बात की तहकीक जरूर होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान में क्यों थे, किसने उनको रखा, कौन से ग्रोह थे, कौन सी सियासी जमातें थी, कौन सी मजहबी जमातें थी, कौन से अफराद थे। लेकिन ये मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान, और मैंने इस बात पर तनकीद की है कि पाकिस्तान ने इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती अफ्साबाद कमीशन रिपोर्ट के मामले में। लेकिन मैं उन लोगों में से कतर नहीं हूं जो समझते हैं कि उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के किसी भी कौमी इदारे में रखा होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान का कौमी मफाद नहीं हो सकता। अच्छा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एयर मार्शल साहब, देखें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जाहिर है दोनों एस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं उनके वर्जन के खिलाफ सेमोर हर्ष का जो वर्जन है वो फ्लाई कर रहा है। लेकिन जो इरशाद आर्य साहब ने सवाल उठाया, जो आपके मतलब आपने जो एसर्ट किया कि जाहिर है ये एयरफोर्स की जिम्मेदारी थी, तो फिर एक घंटे तक कुछ हुआ ही नहीं। डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूं बहुत जरूरी है कि वो जो एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट है, जो एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट है उसको बकायदा मंजर आम पर आना चाहिए था, और उसके अंदर जो कुछ भी फाइंडिंग्स थी वो हम तक पहुंचनी चाहिए थी। हुआ यह है कि एक तो ये कि वेस्टर्न बॉर्डर हुकूमत वक्त की तरफ से उसे एक फ्रेंडली बॉर्डर डिक्लेयर किया हुआ था, तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने उस तरफ वो वाला ध्यान नहीं दिया जो ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ दिया जाता है। मगर ये मेरे नज़दीक ये कोई खास बड़ी इसकी वजह नहीं है, एक्सक्यूज नहीं है। हमें एक कंटिजेंसी प्लान के तहत फिर भी वेस्टर्न बॉर्डर को देखना चाहिए था, यानी रेडार जो हैं वहां सर्वेलेंस उनकी होना चाहिए थी। ये कहना कि वो रेडार जो थे मेंटेनेंस पे थे और वहां वो सर्वेलेंस का स्टेटस नहीं था जो हम ईस्ट की तरफ रखते हैं, ये एक वजह बताई गई। इस तरफ नहीं है, देखिए सेमोर हर्ष तो एक एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि एक घंटे तक रिएक्शन ना होने की वजह यह थी कि दोनों साइड्स मिली हुई थी, दोनों एक लेवल पे थे, एक प्लेटफॉर्म पे थे, ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहे थे। जो एक घंटे तक कोई रिस्पॉन्स ना होना, खामोशी रहना और फिर कहना कि अमेरिकन आए चले गए, उसकी एक्सप्लेनेशन तो सेमोर हर्ष दे रहा है ना, वो आप नहीं दे पाते। नहीं, यानी आप ये कह रहे हैं जिसको मैंने पहले ही इस आर्गूमेंट को किल कर दिया। मैंने कहा जी ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान एयरफोर्स और उसका इतना बड़ा सेटअप जो उस पूरे एरिए में मुख्तलिफ डिफेंस जो यूनिट्स हैं उनकी फॉर्म में है, उन सबको ऑन बोर्ड ले लिया हो, और उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर ये हो नहीं सकता कि उन्हें कहा जाए कि जी आपने रिएक्शन शो नहीं करनी। ये मुमकिनात में से नहीं है ना, इसीलिए मैंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। लिहाजा वो चूंकि पॉसिबल नहीं है, फेलियर भी हुआ कि जी रिएक्शन नहीं हुई, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। और फिर जिस तरह उन्होंने फ्लाई किया ये भी एक चीज है, क्योंकि मैं भी उन विटनेसेस में से एक था जिसको एबटाबाद कमीशन में बुलाया गया था, मेरी एक वर्जन, मेरा एक व्यू पॉइंट इस पर लिया गया था, और इस तरह की बात सामने आई थी कि उन्होंने जो फ्लाइंग की वो टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी साउंड किस्म का एक ऑपरेशन उन्होंने किया, जिसके तहत उस एरिया में जो हाई ग्राउंड्स हैं उनके पीछे स्क्रीनिंग की गई, और जिसको मुख्तलिफ टेक्निकल वजूहात की बिना पर जो रेडार्स चंद एक थे भी वो उनको पिक नहीं कर सके, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का जिक्र किया गया। तो कुछ वजूहात बनती हैं, गो मैं जाती तौर पर इसको बिलीव नहीं करता कि अगर हम वाकई उस तरफ चौकन्ना होते तो हम रिएक्शन भी शो करते, हम उसको वक्त पर पिक भी करते, F-16 को आपने स्क्रैम्बल किया। अच्छा। मगर उस वक्त किया जब ये पूरी स्ट्राइक अपना काम करके वापस गई, और जितनी देर में F-16 वहां पहुंचे उस स्टेशन पर, अच्छा, उतनी देर में ये जो स्ट्राइक थी ये तो बॉर्डर क्रॉस कर रही थी, तो फेलियर है, इसको हमने
फेलियर माना। बादशाह साहब मुझे मैं ये मुझे समझता हूं कि इंसान कीजिए, एम्बेसडर हुसैन हकानी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें अमेरिका से इस मौके पे ज्वाइन किया और उनके पर्सपेक्टिव यकीनन बड़ा डिफरेंट है, लोग और उनसे एक्सपेक्ट करते होंगे, लेकिन बड़े ही मोहतात तरीके से उन्होंने इस पूरी सूरत हाल पर कमेंट किया। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम डिस्कशन को जारी भी रखते हैं और पाकिस्तान की सियासत पर भी एक नजर दौड़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। वक्फे से पहले आपने हमारी एम्बेसडर हुसैन हकानी साहब के साथ, एयर मार्शल शाहिद लतीफ साहब के साथ और इरशाद आरिफ साहब के साथ डिस्कशन देखी। सेमो हर्स्ट का जो बड़ा तहलका मचाने वाला पीस था, जिसे ना अमेरिका में कोई सीरियसली ले रहा है ना कोई पाकिस्तान में सीरियसली लेने को तैयार है, दोनों ही साइड्स पे उस वर्जन को डिस्प्यूट किया जा रहा है। प्रोग्राम के हिस्से में हमें मजहर अब्बास साहब भी ज्वाइन कर सकेंगे, लेकिन मैं एक क्विक जो है थोड़ा सा रिस्पॉन्स जो है वो इरशाद आरिफ साहब का ले लूं। इरशाद आरिफ साहब, देखिए बात तो फिर वहीं आके खड़ी हो गई है, यानी वो तमाम लोग जो शुरू में ऑफिशियल वर्जन नहीं मानते थे वो साथ साथ ये जरूर कहते रहे, खा वो हिंदुस्तान में थे या अमेरिका में थे। खुद हुसैन हकानी साहब भी उन लोगों में शामिल थे जो कहते रहे इन्होंने छुपा के रखा हुआ था, इन्होंने ये किया हुआ था, इन्होंने वो किया हुआ था, ये मिले हुए थे और वगैरह वगैरह। लेकिन अब जबकि एक ऐसा वर्जन सामने आया है जिसके साथ और भी चीजें लगी हुई हैं, लेकिन चूंकि उस वर्जन में अमरीका का सदर गंदा हो रहा है, उसमें अमरीका के इदारे गंदे हो रहे हैं, उसमें यह पता चल रहा है कि अमरीका का सदर जो है वो खामखा एक बड़ा नडर दलेर और बहादुर अपने आप को बनकर दिखा रहा था, जबकि सारा कुछ एक डील के नतीजे में हुआ, मैं वर्जन की बात कर रहा हूं। तो अब वो सारे लोग जो थे वो पहले उस वर्जन में जो कहते थे कि पाकिस्तानी इन्होंने गंद किया, वो उससे पीछे हट गए हैं। इरशाद आरिफ साहब, आपको एक बड़ी खौफनाक किस्म की मुनाफिकत की यहां से बू आ रही है? देखिए डॉक्टर साहब, एक बात तो ये साबित हो रही है, हमने जो एक फर्ज किया हुआ है कि अमरीकी झूठ नहीं बोलते और अमरीकी प्रेसिडेंट जो है वो तो बड़ा एक देवता होता है, मुकद्दस देवता होता है, और वहां झूठ बोलने पर बहुत बड़ी सजा आवाम की तरफ से मिलती है। ये साबित कर रहा है सैमूर हर्ष के वहां झूठ बोला जाता है, धड़ल्ले से बोला जाता है और उसके नतीजे में नया इलेक्शन जीता जाता है, नंबर वन। नंबर दो, ये सैमूर हर्ष साहब जो हैं 2009 में आपको याद होगा इन्होंने एक स्टोरी न्यूयॉर्कर में छापी थी कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर और जो आर्सनल हैं हमारे उन पर बस कब्जा होने ही वाला है अलकायदा और तालिबान का, और उसके लिए ये इंतजाम होने चाहिए वो नहीं। आज तक कुछ भी नहीं हुआ, मतलब इस तरह की बेपर की उड़ाने की उनको भी आदत है। और ये स्टोरी भी मैंने जिस तरह इब्तदा में जिस तरह किया, इसके अंदर बहुत सारे तजादात हैं। एक तरफ अगर हमने खुद उसको रखा हुआ है जी, उसमें अगर हमने रखा हुआ है, हमारे फौज ने रखा हुआ है, तो पाकिस्तान का मीडिया जो और कौन सी बात है जो हमारी छुपी है पाकिस्तानी मीडिया से कि ये बात छुप जाती है। और ये यानी ये 5 साल तक वहां वो बैठे हुए हैं और उसके बावजूद पता किसी को नहीं चल पाता, और फिर उसी के साथ ही साथ नहीं चला। जरा मजहर अब्बास साहब का इसमें वर्जन ले रहे, मजहर अब्बास साहब बहुत ही दिलचस्प अब सूरत हाल हो गई है कि पहले पूरा मगरबी जो मीडिया था और हिंदुस्तानी मीडिया ये इल्जाम देता रहा कि पाकिस्तानी मिले हुए थे वगैरह वगैरह वगैरह, अब जबकि एक ऐसा वर्जन आया जो कहते हैं कि दोनों ही मिले हुए थे और ये मिलकर ही हुआ है, और कुछ ना कुछ लगता है कि उसमें कुछ ना कुछ तो एलिमेंट्स हैं सोर्सेस के, तो दोनों साइड जो है वो पीछे हट गई है। आज वो तमाम लोग जो बहुत ही क्रिटिसिज्म करते थे पाकिस्तान को, गाली निकालते थे, वो खामोश हो गए। देखिए वो जो चीजें सामने आई हैं डॉक्टर साहब, अगर हम उसी का जायजा ले लें तो उसमें भी एक तो कॉन्ट्रडिक्शन बहुत हैं। दूसरी बात, अभी इरशाद आरिफ साहब कह रहे थे कि जी हम ये समझते हैं, हम कभी भी नहीं समझते, और 9/11 के अमरीका जो है, अमरीका का सदर या अमरीकन झूठ नहीं बोलते, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल समझते हैं। और 9/11 के बाद अमेरिकन मीडिया बहुत तब्दील हो गया, बल्कि वेस्टर्न मीडिया तब्दील हो गया। पहले हमेशा डायरेक्ट सोर्सेज की बात की जाती थी कि डायरेक्ट सोर्स के बगैर आप खबर ना भेजा करें, अब वो इन्फॉर्म सोर्सेज करके कोई भी स्टोरी चला देते हैं। इस तरह में बहुत तब्दीली आई है 9/11 के बाद वेस्टर्न मीडिया में और खासतौर पर अमेरिकन मीडिया में। इस स्टोरी की मेरिट और डीमेरिट को एक तरफ रख दें, असल चीज ये है कि हमने अपनी एब्ताबाद कमीशन रिपोर्ट क्यों नहीं पब्लिश की। हमने जब एक कमीशन बनाया तो इस वजह से बनाया था कि उसकी रिपोर्ट हम पब्लिक करेंगे। अगर वो रिपोर्ट आज पब्लिक हो गई होती तो मेरा ख्याल है किसी को इस तरह की स्टोरी लाने की जरूरत ही नहीं होती, इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं होती। हम एक चीज क्रिएट करते हैं, एक पूरा भरपूर कमीशन बनाते हैं और उसके बाद वो फाइल कर दिया जाता है। जब आप फाइल करते हैं तो हमेशा स्पेकुलेशन जन्म लेती हैं जब इस तरह की चीजें होती हैं। तो मेरा ख्याल है हमें अपने लोगों को कम से कम
बिल्कुल सही सूरत हाल बतानी चाहिए, वजाहत करनी चाहिए और इससे इस स्टोरी को जरा रुके शाहिद लतीफ साहब, वो जो कमीशन की जो एफराबाद कमीशन का एक वर्जन तो अल जजीरा तक पहुंच गया था और वो लीक हो गया था। जी बिल्कुल लीक हुआ था और उसके बाद कई प्रोग्राम्स में मैंने भी ये कहा था कि उसकी एक्चुअल ऑफिशियली जो हमारी फाइंडिंग्स हैं उसको पब्लिक किया जाए, मगर मुझे नहीं मालूम कि ये क्या कल्चर है हमारे मुल्क में कि समहाउ इतने बड़े बड़े कमीशन्स, इतने बड़े बड़े सानहे, इतने बड़े बड़े वाक्यात, हमूदर रहमान कमीशन इंक्लूडेड, वो क्यों नहीं पब्लिक उनको किया जाता और इसके पीछे क्या है और वाकई इस कमीशन की जो एंड रिपोर्ट थी, क्योंकि मुस्लिम मेंबर्स से भी मेरी बात हुई, ये जो सीमोर हर्ष कह रहा है ये बिल्कुल इसके करीब तर भी नहीं है जो फाइंडिंग्स है उसकी, और मैं उसमें बिलीव करता हूं। मैंने आपको अभी रीजंस दे दी उसकी कि इतने बड़े सेटअप को कोई एक या दो आदमी कंट्रोल नहीं कर सकते थे, ये बात कहीं ना कहीं से लीक हो जाती और इतनी देर इसको कंट्रोल करना और दो आदमियों का क्लेम करना कि बस जी हम ही जैसे बस दो कंट्रोल लेके बैठे हुए, ऐसा नहीं होता। ये स्टोरीज तो हो सकती हैं मगर इसका हकीकत से ताल्लुक नहीं है। तो वही बात आ गई कि ये रिपोर्ट कम से कम हुकूमत जो है इसको आज भी वो शाया कर दे, गोल लेट है मगर शाया करना बहुत जरूरी है, रिपोर्ट सबके सामने आए ताकि हर साल दो साल बाद इस तरह के मामलात उठते रहेंगे और इनका ताल्लुक फिर हमारे मुल्क की मुख्तलिफ जो इस वक्त कंडीशन है उसके साथ है। मैं ये समझता हूं ब्रेक से पहले मैं चाहता हूं क्विक कमेंट ये कीजिए, आप समझते हैं कि ये जो सेमोर हर्ष की स्टोरी है इसको कोई हिंदुस्तान या कोई और लोग जो पाकिस्तान दुश्मन है वो अब इसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, ये डिस्क्रेडिट हो गई है, खत्म हो गई है, इसका कोई इंपैक्ट नहीं है? आज सुबह तो मुझे बहुत से लोग ये कह रहे थे जिनका ताल्लुक एस्टेब्लिशमेंट से है कि जी बड़ा बुरा हुआ, ये बड़ा अजीब इल्जाम है, इसको लोग इस्तेमाल करेंगे। आप समझते हैं कि दिस इज अ डेड स्टोरी नाउ? इट शुड बी, और वाकई अगर रिपोर्ट शाया कर दी जाए तो फिर इसका कोई, मैं समझता हूं कि कोई इसका इंपैक्ट आइंदा के लिए ना होगा और खत्म हो जाएगा, मगर वो रिपोर्ट शाया करना जरूरी है और ये अटेम्प्ट बिल्कुल यही की गई है कि पाकिस्तान अब अपने इंटरेस्ट को गार्ड करने के लिए उठ खड़ा हुआ है, दहशतगर्दी में जो हमारी इस वक्त तगोदौ है उसके साथ कराची में जो ऑपरेशन, फिर ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, पाकिस्तान तरक्की की तरफ बहुत सारे कदम उठाने जा रहा है, फौज को डिस्क्रेडिट करना ये एक पुराना एजेंडा है, फौज इस वक्त लाइमलाइट में है, फौज इस वक्त फ्रंट रनर है, मगर उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए एक अटेम्प्ट की गई है। मैं समझता हूं कि इसको पूरे मीडिया पे डिस्कस होना चाहिए, आज ही इसको करके क्लोज नहीं करना चाहिए और हुकूमत को बाकायदा यह रिपोर्ट शाया करनी चाहिए और इसके ऊपर एम्फेसिस के साथ यह बताना चाहिए कि जो स्टोरी आई है दिस इज ऑल बुलशिट और यह एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो डाउटफुल है और वक्त के साथ साथ यह अजीब अजीब बातें करता है। और आज भी देखिए कि अमेरिका में यह स्टोरी शाया नहीं हुई, उसने ग्रेट ब्रिटेन का सहारा लिया है ये स्टोरी शाया करने के लिए। डॉक्टर साहब मुझे अरमान शाह साहब एक ब्रेक ले लीजिए, मुझे एक ब्रेक ले लीजिए, इरशाद आरिफ साहब मैं ब्रेक लेता हूं, फिर आपका कमेंट भी लेता हूं, फिर एफराबाद कमीशन का तो कोई नहीं आ सकी रिपोर्ट आने के, जुडिशियल कमीशन कुछ कर पाएगा, उसका कुछ निकलेगा, इस पर भी बात करते हैं इन द लास्ट पार्ट आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक, इरशाद आरिफ साहब की तरफ चलते हैं। इरशाद आरिफ साहब, वक्फे से पहले आप तीनों हजरात में, आपने भी शाहिद लतीफ साहब ने भी, मज़हर अब्बास साहब ने बड़े वाशगाफ अल्फाज में बड़े जोर से ये कहा कि एफराबाद कमीशन जो है उसकी रिपोर्ट को काश के हम पब्लिश कर देते। इस वक्त पाकिस्तान में एक और बड़ा ताकतवर, बड़ा डिस्कस्ड कमीशन जो है वो काम कर रहा है जिसको बड़ी बहस होती है, वो है जुडिशियल कमीशन। इरशाद आरिफ साहब, आपको लगता है कि जुडिशियल कमीशन का काम किसी मंतकी अंजाम तक जा पहुंच पाएगा, जो कुछ अब आप देख रहे हैं 122 के हवाले से, 125 देखिए, पहली बात तो ये है डॉक्टर साहब, ये जो मुतालबा हो रहा था कि वो जो एफराबाद कमीशन रिपोर्ट है वो सामने आनी चाहिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, वो ये है कि अब जनरल कियानी को और जनरल शुजा पाशा को भी चुप का रोजा तोड़ना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए। लियोन पेनेटा की किताब आई, उसमें कुछ इल्जाम लगे, इन लोग दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया, अब ये एक स्टोरी आ चुकी है, इस पर वो अगर कुछ नहीं बोलते तो शकूक शुबात मजीद बढ़ेंगे। जहां तक जुडिशियल कमीशन का ताल्लुक है, ये एक माहदे के नतीजे में वजूद में आया है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर जो हैं उस माहदे का हिस्सा हैं। मियां साहब तमाम सियासी जमातों से मुशावरत के बाद ये कमीशन बनाने पर आमादा हुए और उस माहदे में ये लिखा हुआ है कि कमीशन रिपोर्ट जब आएगी, अगर उसने ये साबित कर दिया कि ये जो 2013 के इलेक्शन है 11 मई के,
अगर ये गैर जानबदाराना मुनसिफाना दयानतदाराना और शफाफ नहीं हुए और इसमें मुनज्जम धांधली हुई है और अवाम का मैंडेट चुराया गया है तो इस रिपोर्ट सर ये तो पता है हमें सर ये बात तो धुरा चुके हैं हम सैकड़ों दफा जी नहीं मैं चले सर ये बात तो हम सैकड़ों दफा धुरा चुके हैं लेकिन आपका बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि उस मुआहदे की रोशनी में फिर वजीर आजम असम्बलियां तोड़ने पर और वज़ीरे आला असम्बलियां तोड़ने पर मजबूर होंगे। अगर खुदा न खास्ता वो ऐसा नहीं करते तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर समझिए कि अदम इस्तेकाम की सियासी अदम इस्तेकाम की एक नई लहर आएगी और पाकिस्तान के सियासी हालात जो हैं मजीद खराब होंगे और शायद फैसले फिर सड़कों पर होंगे। कि एन आई 122 की जो नादरा की रिपोर्ट आई है जिस किस्म की बेकायदगियां उस पर सामने आई हैं इसके बाद अब आपको क्या लग रहा है कि जुडिशियल कमीशन का काम कहीं किसी मंतकी इंजाम तक जा पाएगा? शाहिद लतीफ साहब आपकी तरफ ही सवाल ले आता हूं। डॉक्टर साहब मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि एक तो केस जो है ये बाकायदा ट्रिब्यूनल्स में चल रहा है, 125 का जो नतीजा आया आज उसको सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन ओवर रूल कर दिया। इसी तरह जुडिशियल कमीशन जो है वो बाकायदा इस केस को सुन रहा है, मगर उसके साथ साथ आप देखिए कि मीडिया के ऊपर क्या अजीब अजीब बातें चल रही हैं। यानी एक तरफ हम कहते हैं जब केस इस तरह अदालतों में चले जाएं तो वो सब जुडिस हो जाते हैं, क्या वाकई ऐसा हो रहा है? मीडिया में हुकूमती जो अहदेदारान हैं वो आके कह रहे हैं कि जी ये जो 93,000 बेकायदगियों की बात की गई है कि जी वो आइडेंटिफाइबल नहीं है, उनकी शनाख्त नहीं हो सकती, उसका मतलब ये है ये नहीं है। यानी क्या ये उनको एक्सप्लेन करना है? और मैं कासिर हूं इस बात को समझने से कि वो जो आइडेंटिफाइबल नहीं है उसकी फिर क्या डेफिनेशन है? तो वहां मिनिस्टर साहब आके हमें एक्सप्लेन करते हैं। मैं ये समझता हूं कि ये सारा मामला जो है इसको मीडिया के ऊपर अब कुछ देर के लिए खामोशी हो जानी चाहिए, अदालतों को इसका कंट्रोल ले लेना चाहिए और बाकायदा। और फिर वो जो जुडिशियल कमीशन की आपने बात की वो उसके अंदर लिखा हुआ है कि जी ये रिपोर्ट जो है ये पब्लिक की जाएगी। एक तो ये बात है कि जी अगर ये साबित हो गया तो फिर हुकूमत वो जो है कायम नहीं रह सकेगी, मगर ये बहुत बड़ी बात उसके अंदर लिखी है कि अनलाइक आवर पास जिसके अंदर शायद टीओआरस में आप इस तरह की बात नहीं लिखते थे, इसीलिए अब रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं होती थी, इसमें कम से कम ये लिख दिया गया है कि ये रिपोर्ट पब्लिक होगी। अब जुडिशियल कमीशन किस हद तक इफेक्टिव होता है या नहीं होता उस पर मैं कॉमेंट नहीं कर सकता, मगर कम अज कम रिपोर्ट जो है उसको एट द एंड ऑफ द डे ये पब्लिक होना है। डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है कि ये जो 125 साहब आप तो जी जी अरशद साहब जी 125 का जो फैसला आया साहब आप बात करें जी 125 का जो फैसला आया और 122 के हवाले से अभी नादरा की रिपोर्ट आई है, 122 का फैसला ट्रिब्यूनल ने नहीं दिया। अगर ट्रिब्यूनल का फैसला भी इसी नोयत का आता है तो उसकी वजह से मैं समझता हूँ जुडिशियल कमीशन का काम कदरे आसान हो जाएगा। एक पैटर्न जो है वो सामने आ रहा है और जुडिशियल कमीशन में भी उसी नोयत के अगर शवाहद सामने आते हैं तो मेरा ख्याल है फैसला आसान भी होगा। और फिर एक बात मैं और अर्ज करूं, ये जुडिशियल कमीशन ऐसे नहीं बन गया, कुछ गारंटर हैं, कुछ लोगों ने कुछ ताकतों ने इसकी जमानत दी हुई है। मैं नहीं समझता कि वो गारंटर इतने कमजोर हैं कि ये फैसला आ जाएगा और उसके बाद हुकूमत की मर्जी होगी उस पर अमल करे या ना करे। मेरा ख्याल है जिन्होंने ये कमीशन बनवाया है वो इसको इंश्योर करेंगे कि इस पर अमल दरामद भी हो इसके फैसलों पर। एबटाबाद कमीशन के ऊपर तो आपका बहुत एक वाजे स्टैंड है कि उसकी रिपोर्ट सामने आनी चाहिए थी, पब्लिश होना चाहिए था। अब जो एनए 122 एनए 125 का झगड़ा चल रहा है फिर कमीशन काम कर रहा है, आपको लगता है कि कमीशन का कोई मंतकी इंजाम निकल पाएगा जुडिशियल कमीशन का? ये जुडिशियल कमीशन जिस अंदाज में बना है वो पिछले कमीशन के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ है। इसमें दो जमातों ने एक रिटन एग्रीमेंट किया है, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस डिफाइन किए हैं और उसके बाद वो कमीशन भेजा गया है। मैं इरशाद आरिफ साहब का अपना एक व्यू है लेकिन मेरे ख्याल में मुझे खदशा इसमें यह है कि जिस तरह एनए 125 में दोनों पार्टीज ये क्लेम कर रही हैं कि उनके हक में चीज हुई है, यानी वो ये एक पीएमएलएन ये कह रही है कि जी धानली का कहीं जिक्र नहीं है इसमें और नून लीग पीटीआई अपने तौर पर कह रही है, मुझे खदशा ये है कि कहीं फाइंडिंग इस तरह ना हो कि दोनों फरीस ये क्लेम करें कि जी ये हमारी विक्ट्री हो गई है। यानी अगर ये कहा जाए कि इरेगुलरिटीज थी बहुत ज्यादा थी लेकिन मुनज्जम धांधली का लफ्ज नहीं आता, ऑर्गेनाइज रिगिंग नहीं आती, ये नहीं डिटरमिंड होता कि जी ये देवदा क्यूर, जैसा आप 90 के इलेक्शन में देखें कि वहां वाजे है कि एक फरीस था जिसने पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए, एक फरीस था कि जिसने कहा कि अपोजिशन को इस्तेमाल किया जाए।
जब तक उस तरह की कोई चीज इसमें सामने नहीं आएगी तो मुझे खदशा ये है कि इसकी जो भी फाइंडिंग होंगी उसको दोनों पार्टीज क्लेम करेंगी कि उनकी विक्ट्री हुई है उस पर। हमारा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया जनाब, मजहर अब्बास साहब का, शाहिद लतीफ साहब का, इरशाद आरिफ साहब का बहुत शुक्रिया। एक पॉइंट की मैं वजाहत कर दूं, शाहिद लतीफ साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको हिला दिया उस फैसले को। सुप्रीम कोर्ट के पास सादा साद रफीक साहब का पहला राइट ऑफ अपील था एन 125 पे। सुप्रीम कोर्ट को जाहिर है इस पे इसको सस्पेंड करना ही था, इसको सुनना ही था। इस चीज में कई हफ्ते कई महीने लग सकते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सादर कर दिया है। ये तो अगले चंद हफ्तों या महीनों में ही पता चलेगा कि इसका फैसला क्या हो पाएगा। बहुत शुक्रिया।